द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के मतदान की प्रक्रिया जब हैदराबाद लोकसभा सीट पर चल रही थी तो उस वक्त उसी सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ खड़ी भाजपा उम्मीदवार माधवी लता भयंकर तमाशा कर रही थी और इस तमाशा को चुनाव आयोग के अधिकारी, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा था। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर एक विजुअल देखिए, इसमें माधवी लता मुस्लिम महिलाओं के चेहरे से नकाब हटाकर, बुर्का हटाकर वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड से चेहरे का मिलान करती दिखाई पड़ती है। चुनाव आयोग क्या इस बात का जवाब दे सकता है कि माधवी लता को यह हक किसने दिया कि वो पोलिंग बूथ पर वोटर्स के चेकिंग करे? क्या इसकी अनुमति है? क्या कोई आम उम्मीदवार भी इस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका निभा सकता है, पुलिस प्रशासन की भूमिका निभा सकता है? यह तो एक गंभीर सवाल है। लेकिन अब माधवी लता के खिलाफ, उनके इस हरकत के खिलाफ वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूटा। एक मुस्लिम शख्स माधवी लता के मुंह पर भरदम सुना गया, काफी चीखा चिल्लाया और पुलिस वाले उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं थे जो माधवी लता पर भड़क रहे थे, काफी लोग थे। सड़कों पर बवाल होने लगा क्योंकि माधवी लता ने तमाम नियम कायदे को ताक पर रखकर मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने की कोशिश तक की थी। ऐसे में यह विजुअल आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि कैसे वह शख्स माधवी लता को सबक सिखाने के लिए बेताब था, पुलिस उसे संभाल रही थी। देखिए यह वीडियो। तो देख लिया आपने किस तरीके से माधवी लता को उनके मुंह पर ही हैदराबाद में AIMIM के नेता यासर अरफात ने सबक सिखाया है। इस वीडियो में चूंकि उनका नाम अब लिख दिया गया है इसलिए बता रहा हूं कि उस भीड़ में AIMIM के वो नेता हैं जिन्होंने माधवी लता पर काफी अपना भड़ास निकाला है। यहां शेख आदिल आजमी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी, हैदराबाद में मुस्लिम औरतों का नकाब हटाने को लेकर गुस्साए लोग उतरे सड़क पर। यासर अराफत का नाम यहां पर टैग किया हुआ है और असदुद्दीन ओवैसी और मोहम्मद माजिद हुसैन का नाम टैग किया हुआ है। अब यहां से इस संबंध में कुछ रिपोर्ट को भी हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप ये समझ पाए कि माधवी लता ने वाकई में कितनी बड़ी गलती की है और इसके लिए चुनाव आयोग भी मूक दर्शक बना हुआ वहां साफ दिखाई पड़ रहा था। वाजिद खान ने एक वीडियो शेयर किया, सड़कों पर भीड़ आप इस वीडियो में देख सकते हैं और यह दरअसल लोगों का गुस्सा माधवी लता पर फूटा था, लोग वहां नारेबाजी कर रहे थे। वो शख्स इस वीडियो में भी दिखाई पड़ते हैं, यासर अराफात, जिनका नाम बताया गया है। वाजिद खान ने लिखा भी है कि मुस्लिम महिलाओं के मुंह से घूंघट हटाने को मजबूर करने के लिए भाजपा की हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ भड़की जनता। और माधवी लता भी आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ जाएंगी, फोन पर बात कर रही हैं, उनके आमने सामने कुछ सुरक्षाकर्मी भी खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। वोटिंग करवाने के लिए अपील करना, जागरूक करना एक अलग बात है, लेकिन पोलिंग बूथ पर जाकर किसी मुस्लिम महिलाओं की बुरके हटाकर उनका चेहरा वेरीफाई करना, यह किसी उम्मीदवार का काम नहीं है। क्या असदुद्दीन ओवैसी ऐसा कर रहे थे क्या? तो फिर माधवी लता इस तरीके की हरकत को क्यों अंजाम दे रही थी जिसके चलते गुस्सा फूटा है और लोग सड़कों पर जमकर बवाल काटते दिखाई पड़े हैं, पुलिस उन्हें समझाती भी इस वीडियो में दिखाई पड़ती है। तो यह वीडियो चाहे जहां उस व्यक्ति का गुस्सा, यह सब जायज है क्योंकि सड़क पर प्रदर्शन भी इसलिए हुआ क्योंकि आप नियम कायदे से ऊपर नहीं है, आप लाख भाजपाई हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, इसका मतलब कानून हाथ में लेंगे, प्रशासन का, चुनाव आयोग का काम भी आप ही करोगे, यह उचित नहीं है।
तो वाजिद खान के विजुअल्स को अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखा है। तो इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि पांच जन है, संघी न्यूज वेबसाइट है, इस पर माधवी लता का बयान है, ANI का बयान है। तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिया है, चूंकि ANI वाले कॉपीराइट देने में बहुत आगे होते हैं और खुद गोदी चैनल्स के नाम पर प्रतिष्ठित हो चले हैं, प्रतिष्ठित गोदी चैनल है ये। ये पांच जन वालों ने लिखा है कि माधवी लता का बड़ा खुलासा, हैदराबाद में 90% बूथ पर ओवैसी का कब्जा, पुलिस बुर्का में आई महिलाओं की जांच तक नहीं कर रही थी, जब मैंने पुलिस से शिकायत की तो उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं। अब एक बात बताएं, सरकार तो ओवैसी की वहां नहीं है, तो फिर ये बूथ पर 90% बूथ पर ओवैसी का कब्जा कैसे हो जाएगा? ये माधवी लता अनर्गल बयान दे रही थी और इन्हें अपने हार का डर ऐसा सताने लगा था कि ये खुद पोलिंग बूथ पर जाकर बुरका उठाकर चेहरा वेरीफाई कर रही थी। तो लोगों को गुस्सा तो आना तय ही था। यह पुनीत कुमार सिंह ने भी वीडियो शेयर किया है, उन्होंने भी यही बातें लिखी हैं और सवाल पूछा है, वीडियो ANI का, इस वजह से इस वीडियो को भी हम अलग से दिखाएंगे, जो बिना ANI का है वो हमारे पास मिल चुका है, वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले पुनीत कुमार सिंह के ट्वीट को देख लेते हैं लगे हाथ कि हैदराबाद लोकसभा प्रत्याशी माधवी लता मुस्लिम महिलाओं का वोटर कार्ड और आधार कार्ड खुद चेक कर रही हैं, ये किस नियम के तहत उनकी चेकिंग कर रही हैं ये चुनाव आयोग बताए, क्या चुनाव आयोग वेरिफिकेशन करने में असमर्थ हो गया जो प्रत्याशी को ये काम दिया गया है? पुनीत कुमार सिंह का सवाल जायज है। अब ऐसे में Kretli.in पर जो वीडियो है इसमें आप देखेंगे कि साफ तौर पर चेकिंग चल रही है, जो मुस्लिम महिलाओं के बुरके हटाकर चेकिंग कराया जा रहा है। यह वीडियो हम आपको दो हिस्से में दिखाते हैं, पहले Kretli ने जो ट्वीट किया वो देख लीजिए। Kretli ने अलर्ट लिखा है, सभी मुस्लिम महिलाओं के बुरका हटाकर चेहरा चेक करो, भाग्यनगर में माधवी लता ने पुलिसकर्मी को लगाई लताड़, बुरका हटाकर किए चेहरे चेक। अब इस वीडियो का पहला हिस्सा देखिए कि वो जब आती हैं तो पुलिसकर्मियों से उलझती हैं, उन्हें कहती हैं कि आप इन लोगों को चेक क्यों नहीं कर रहे, सबको चेक करो, और पुलिस वाली वहां पर खड़ी होती हैं, वहीं माधवी लता उसके बाद मोर्चा संभालती है। पहले देखिए पुलिस के साथ क्या नोकझोंक होती है। तो देख लिया आपने, अब यहां से आप इस हिस्से में देखेंगे कि कैसे वो खुद ही सबकी चेकिंग करने लग जाती हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी और पुलिस वाले उन्हें रोकने की जहमत भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इस हिस्से में क्या कुछ हुआ वहां। तो देख लिया आपने, मिस्टर हक ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, इसमें मामला के इस हर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इस वीडियो में भी वही सेम वीडियो है जो वाजिद खान हो या अलग अलग लोगों ने शेयर किया है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन है, यासर अराफात इसमें भी दिखाई पड़ते हैं, और गुस्सा इस बात को लेकर है कि माधवी लता ने कैसे मुस्लिम महिलाओं के बुरके हटाने का काम किया है। मिस्टर हक लिखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के मुंह से घूंघट हटाने को मजबूर करने के लिए भाजपा के हैदराबाद संसदीय सीट की उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ गुस्साई जनता ने विरोध प्रदर्शन किया, तो लोगों ने सबक सिखाने का काम किया है, माधवी लता को जवाब देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।